उसकी बात नहीं सुनी, जज ने पैसे खाए, पैसे पैसे खा के उसको दे दिए, मेरी मेरी गोद हो जानी है। श्रीलंका की लड़की है भाई, ये पाकिस्तान जो भी है तू अल्लाह से पाएगा। रोजे की हालत में तेरी बदुआ मांग रही हूँ, तू मरेगा करती मौत मरेगा। कश्मीरी पंडित बेटियों की का नंबर लगाता था कि सुबह ये उसके बिस्तर पर जाएगी, शाम ये उसके बिस्तर पर जाएगी, दोपहर ये उसके बिस्तर पर जाएगी, रात ये उसके बिस्तर पर जाएगी, ये किया जाता था। मस्जिदों के अंदर लड़कियों की आबरू कैसे लूटी जाएगी और किस किस के बिस्तर पर कौन कौन कश्मीरी पंडित की बेटियां जाएंगी, ये तय होता था मस्जिदों के अंदर। दहशतगर्द का तो ये तो चल रहा है, लेकिन ये है कि हमें जो असल जो हमें कुरान ने जो हमें बताया है, हम उस पर अमल कर नहीं रहे हैं। अगर इस्लाम हमें कहता है कि दहशतगर्द बन, नहीं कहा, ये सब झूठ है, ये फ्राड है, ये ऐसा नहीं कहा इस्लाम ने, मुझे भी पता नहीं कहा इस्लाम नहीं कहता, तो हमारे मौलाना क्यों कहते हैं? मौलाना अगर कहते हैं तो भाई हम तो उनके पीछे लगने वाले हैं। हमने एक दफा पहले सुना था अब्दुल आजाद साहब थे बादशाह मस्जिद के खतीब, एक दफा पहले उन्होंने बेनजीर भुट्टो जब थी वजीर आजम, उस वक्त उन्होंने एक लफ्ज कहा था कि पीपल पार्टी को दे, जो वोट देगा वो जहन्नमी होगा, दोजखी। जय दोस्तों, जय श्रीराम। तो भाई वीडियो लेके आए हैं पाकिस्तानियों की जहालत, एक और श्रीलंका से लड़की है भाई, पाकिस्तानी ने धोखे से उसके साथ शादी करके फंसा के, और उसके दो बच्चे भी थे, तीसरा बच्चा भाई देवर ने पीट पीट कर उसको वाइपर वगैरह मारे, तो वो तीसरा बच्चा वहां पर चला गया। अब पाकिस्तान की कोर्ट में भाई वो घूम रही है श्रीलंका की लड़की इंसाफ के लिए, और भाई जो दो बच्चे थे वो खुद रख रहा है, और अगली भी शादी जाहिल ने पाकिस्तान में कर ली है। आप लोग वीडियो शुरू करते, वीडियो को लाइक जरूर करें पाकिस्तानियों के। वो कहते हैं मम्मा वॉशरूम में बंद कर देते हैं, मुझे डर लगता है, वो बोल नहीं सकते। उसने नहीं सुनी, उसने अपनी सुना दी, उसने सिर्फ अपनी सुनी। अल्लाह से पाओगे, अल्लाह से पाओगे, मीडिया वाले कौन से वीडियो आपका केस क्या था ये बताइए। मेरा केस ये, मेरे दो मासूम बच्चे, एक 5 साल का, 6 साल का, जो के उसका बाप ले गया। अब मैंने इधर कोर्ट में अप्लाई किया, सारा कुछ किया, बच्चे मुझे देखे, मैंने पूछा चलो बच्चों से, कहते मम्मा वो लोग कोशिश में बंद कर देते हैं, मुझे डर लगता है। मैं कहा आप उनकी तरफ नहीं जाओगे, कहते वो फिर ले जाएंगे, डर से उन्होंने कहा पापा सिर्फ खाए, जज कहते जो ठीक है जाओ पापा के पास जाओ, पैसे खाए मेरे जज ने। असल बात तो ये, यही नहीं अभी और सुनिए, ये अमजद शफीक जो भी है कौन है? अमजद रफीक, अल्लाह से पाएगा, माँ की गोद उड़ा रही है ना, तेरा कुछ भी नहीं रहना। मरियम नवाज है, इमरान खान है, जो भी है, मुझे मेरे बच्चे लुटा दो बस, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। ये श्रीलंकन है, मैं इसका फादर हूँ, लेकिन हेल्प नहीं की है उन्होंने, बच्चे तो वैसे छीन कर लेकर गया, 2019 में भी उठा के लेकर गया, अभी भी उठा कर बच्चों को डराया हुआ, ना कोई हेल्प करने वाला ना कुछ और। जय साहब ने 5 मिनट दिए बच्चों को पास चले जाओ, वो जिनके पास अभी कितने दिन से रह रहे हैं, वो तो प्रेशराइज किया हुआ, उसकी तो शादी हो गई, आगे उसके दो बच्चे हैं, तो वो सौतेली माँ के पास रह रहे हैं, कैसा फैसला है? जो लड़की शादी नहीं करना चाहती, अपने बच्चों के लिए जीना चाहती है, ये कानून है, ये किस तरह का कानून है? पाकिस्तान का कानून है भाई, साफ करना चाहिए। मैडम बाप को दे दिए, जब बच्चे आए हैं ना, मैं उनको मिली हूँ, उन्होंने कहा कि जस्ट गिव लाइक 5 to 10 मिनट्स, मैं उधर खड़ी हूँ, मुझे कितने बच्चे हैं? मेरे दो बच्चे हैं, एक 5 साल का और एक 6 साल का। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 2016 में हुई थी, और मेरी नाम क्या नाम है उनका? अली हसन, और उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया था, जब मैंने कहा था मैं श्रीलंका की हूँ, और वो कहाँ गए? वो पाकिस्तान का है, ही जस्ट कैम्प्ड, उन्होंने इवन यू नो ही सेड दैट ही इज लिविंग इन हिज ओन हाउस। बाबा मैं, मेरे फादर पाकिस्तानी है, मेरी मम्मा श्रीलंकन है, और मेरे पापा ने जब मेरी शादी करवाई है, वी गॉट टू नो कि उनके पास एक 70 भी नहीं है अपनी, और जिस घर में वो रहते थे, जो वो घर कहते थे अपना है, वो किसी रेंट का था, फ्रॉड होने के बाद। उन्होंने उनका काम मैं बताती हूँ, 13 करोड़ रुपए का भी फ्रॉड किया रिसेंटली पठानों के साथ, उसका बाप मलिक इमरान हसन, जो कहता है एक्स एडवाइजर ऑफ परवेज इलाही,
2016 में शादी हुई, अब 2024 है, झगड़ा किस बात पर हुआ? मुझे मेरे जो देवर है उसने मुझे वाइपरों के साथ मारा था, जिससे मेरे थर्ड बेटे की डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं वापस नहीं गई। पाकिस्तानी है वो। अच्छा, तो बच्चे फिर किसके पास थे? दूसरे बच्चे मेरे पास, मेरे बच्चे रहते थे। जब मुझे डिवोर्स हो गया उसने दूसरी शादी कर ली, उसकी अपनी एक बेटी है। डिवोर्स कब हुई? इन 2021। आज जब अदालत में केस की समाप्त हुई तो बच्चों की कस्टडी गई, उन्होंने केस किया या आपने? मैंने किया था, बिकॉज मेरे बच्चे स्नैच हुए हुए थे। कानून तो मेरे भाई बच्चे दिए गए लिए गए नहीं थे, स्नैच हुए थे। शादी के बाद पाकिस्तान रह रही थी? एग्जैक्टली, आई वाज लिविंग इन पाकिस्तान। एंड व्हाट वाज द सेम थिंग, कि मैंने इससे पहले भी एक दफा मेरे बच्चे स्नैच हुए, फैसलाबाद सेशन कोर्ट से, आप पता करवा सकते हो उधर से। मेरे बच्चे मुझे 24 आवर्स के अंदर मिल गए थे, बिकॉज वो अंडर 7 है, एक 5 साल का, एक 6 साल का। वो बच्चे मुझे कह रहे हैं मुझे ना वॉशरूम में बंद कर देते, मैंने कुछ भी नहीं कहना, वो डर रहे हैं। इवन उस जज ने बात नहीं सुनी उस बच्चों की और फटाफट का गो विद द फादर, व्हाट द हेल इज ही, ही इज नथिंग। उसने इतनी गलत, इतना बड़ा फैसला इतनी गलत तरीके से कैसे किया? हाउ कैन ही डू दैट? उसने एक लफ्ज नहीं सुना, मेरी बात नहीं सुनी। जब आपसे मिले तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझे यही कहा कि मम्मा मुझे वॉशरूम में बंद करते हैं, मैं तंग हूँ, मुझे नहीं रहा जाता, लेकिन मैं उनके सामने नहीं कह सकता हूँ। मैं कहूँ बहुत ज्यादा वो रो रहा था। यू कैन आस्क ऑल ओवर देयर, वो सारे कोई पुलिस सारा कोई आ रहा है, आप क्यों रो रहे हो? ही सेइंग कि कुछ भी नहीं। कितनी देर बाद बच्चों से आपकी मुलाकात? इट्स अराउंड लाइक अ फ्यू डेज अगो। और उसको इतने बुरे तरीके से डराया हुआ है, वॉशरूम में बंद करते हैं, पता नहीं हाँ की जलालत है ये। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी वो छोटे मोंटेसोरी लेवल में पढ़ते हैं भाई, ये पाकिस्तान है, ऐसा ही होता है यहाँ पे। एग्जैक्टली, मैं अब इस खिलाफ जाऊंगी, मेरी एम्बेसी को भी मैं टच में लूंगी, मैं से जो जो होगा मैं करूंगी। बट आई नो कि मेरे बाबा कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ बहुत होता है, लेकिन मैंने नहीं देखा इंसाफ फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल नाउ, आई हैवंट गेट अ सिंगल टाइम। बट दिस टाइम आई विल गो अगेंस्ट द पाकिस्तान, हूएवर विल कम इन फ्रंट ऑफ मी आई विल गो अगेंस्ट। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई पाकिस्तानियों की जहालत, पाकिस्तान के अंदर भाई बहला फुसला कर यानी कि पाकिस्तानी शादी कर लेते हैं। जैसे अभी भाई श्रीलंका से लड़की थी और पाकिस्तान के अंदर भाई अब ये भाई पूरी तरह से फंस चुकी है। अब पहली बात तो ये नहीं पता कि भाई ये वहां से जिंदा लौटेगी या नहीं लौटेगी, बच्चे तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो आप लोग एक बार एंट्री होगी ना और उनको आप उनकी नजरों में चढ़ गए, तो पाकिस्तान के पाकिस्तानी ही जब वहां पर नहीं बसते, ये तो भाई श्रीलंकन है। पाकिस्तान से तो भाई ये नारे लगाए जाते थे कभी, पाकिस्तान जिंदा भाग, अब पाकिस्तान से जिंदा भाग, पाकिस्तान के बच्चे लेके भाग अपने, या भाई कैसे? तो बड़ी मुश्किल भाई, बड़ी यानी कि जस्टिस नाम की तो वहां पर चीज है ही नहीं। ये तो फिर भी श्रीलंकन है, पाकिस्तान के अंदर तो भाई पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं उनको जस्टिस नहीं है वहां पर। जब पाकिस्तान के कोर्ट वहां पर, पाकिस्तान की असेंबली वहां पर ऐसे ऐसे कानून लेके आती है कि भाई अगर एक खातून है उससे बिना पूछे भाई दूसरी शादी कर लो, दूसरी से ना पूछे तीसरी कर लो, तीसरी से ना पूछे चौथी कर लो, अगर उनमें से भी एक खत्म हो जाए या कुछ मर जाए तो फिर एक और लिया, और विदाउट इजाजत, इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उस बंदे ने जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने है जो 5 हथियार रचा रखी हैं, तो उस देश की आवाम का क्या हाल होगा और पाकिस्तान का क्या हाल होगा भाई? बच्चे उसके छोटे छोटे रो रहे थे, बोल रहे हैं कि मम्मा हमें बाथरूम में बंद कर देते हैं, तो वो कैसे बिलबिला रही है भाई, पता नहीं भाई क्या होगा क्या नहीं। आप लोग क्या रिकमेंडेशन जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।